हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर्स होम द स्टूडेंट। गाजर की मिठाई, गाजर का हलवा आपने बहुत खाया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गाजर से बनी हुई बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और जूसी मालपुए। आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्वादिष्ट और एकदम नरम होते हैं। तो ये हम इसे अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े बड़े गाजर। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए, मैंने आधा कप पानी डाल के गाजर का फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप गेहूं का आटा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप सूजी। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2-4 चम्मच चीनी। 2-4 चम्मच ही चीनी डालना है, क्योंकि हमें जो चाशनी बनाना है वो चीनी का ही बनेगा। और मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कुटी हुई इलायची पाउडर, मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मालपुआ बनाने के लिए मैंने अपना घोल बनाकर रेडी कर लिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि जो मैंने इसमें सूजी डाला है वो अच्छी तरह फूल जाए, फिर हम इसका मालपुआ बनाएंगे। फुल रेस्ट करा, तब तक मैंने लिया एक पतीला। इसमें मैं डालूंगी आधा ग्लास के करीब पानी और मैं अपने मालपुआ के लिए चाशनी बना के रेडी कर लूंगी। इसमें मैंने डाला है 1 कप चीनी और 2-4 केसर के धागों को मैंने डाला, जिससे हमारे चाशनी का कलर काफ़ी सुंदर आएगा और हमारे मालपुए देखने में काफ़ी सुंदर और खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। हम इसे चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। हमें चाशनी काफ़ी गाढ़ी नहीं करनी है, 1 तार या 2 तार की नहीं करनी है। बस हमें ये चीनी घुल जाए और थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी बना के तैयार करनी है। ये लगभग हमारा 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। हमारी चाशनी 1 या 2 तार की नहीं है, हल्की चिपचिपी चाशनी है। और देखिए, हमारी चाशनी का कलर कितना सुंदर आया है। अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे उतार देंगे। ये हमारा 10 मिनट में डो बन के, ये हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और सूजी अच्छी तरह फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा और भी पानी ऐड करेंगे और अपने इस बैटर को थोड़ा पतला करेंगे, नहीं तो हमारे मालपुए मोटे मोटे बनेंगे। इसलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया। और देखिए, मालपुए बनाने के लिए हमारे बैटर का थिकनेस कुछ ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अपने मालपुओ को तलने के लिए मैंने लिया एक पैन। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल और हम इसे हल्का गर्म करेंगे। हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल गर्म करना है बिल्कुल। अपने मालपुओ को तलने के लिए हमने अपना फ्लेम मीडियम कर दिया है और हम अपने मालपुए को अपने मनपसंद साइज में डाल देंगे। हमारा तेल हल्का हल्का गर्म है। ये देखिए, हमारे मालपुए हल्के लाल हो गए हैं और ये हमारे बनके रेडी हो चुका है। हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं अपने मालपुओ को चाशनी में डुबो दूंगी और इसे अच्छी तरह डिप कर दूंगी दोनों तरफ से, और 5-5 मिनट छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह चाशनी में डिप हो जाए हमारे मालपुए। मालपुओं ने अच्छी तरह रस को पी लिया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर और कितना यम्मी लग रहा देखने में। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे और फिर अपने सेकेंड बैच को इसमें डिप कर देंगे। हमारा मालपुआ बनके रेडी हो चुका है और हम इसे हल्के से पिस्ता से गार्निश कर देंगे।
ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम रसीला और लाजवाब। आप इसे एक बार अपने घर पे बनाकर जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।